नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में जा रहे श्रावस्ती के बीजेपी नेता की गाड़ी के डैशबोर्ड में कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। चेकिंग के दौरान 2 कारतूस बरामद हुए और कारतूस बरामद होने के बाद से गाड़ी में सवार सभी 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस और LIU के साथ ही IB ने पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले के भिनगा कोतवाली क्षेत्र में 13 जून 2023 को सेमरी चिकपिनाही निवासी बीजेपी नेता माता प्रसाद उर्फ कारिया की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कुल 9 आरोपियों में से 7 आरोपियों को जेल भिजवा चुकी है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भाजपा नेता के भाई, चाचा समेत अन्य लोग सोमवार को स्कॉर्पियो से गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में शामिल होने पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुबह 5 बजे मंदिर के गेट पर चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इस पर सुरक्षा कर्मियों ने स्कॉर्पियो सवार सभी लोगों को तत्काल हिरासत में लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस के साथ ही LIU और IB ने भी इनसे पूछताछ शुरू की है। वहीं श्रावस्ती पुलिस इन लोगों के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। शुरुआती मामले में ये सामने आया है कि ये सभी हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी जांचे जा रहे हैं। इस मामले में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा है कि गोरखनाथ मंदिर गेट पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी के डैशबोर्ड में 2 कारतूस मिले हैं। गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ की जा रही है। उन लोगों का कहना है कि वे श्रावस्ती के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में फरियाद लेकर आए थे। उनका पता भी सही मिला है। अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। पूरी जानकारी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।